अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम अनबॉक्सिंग अनदर ड्रेस बाय मारिया बी शिफॉन कलेक्शन एंड वी हैव कोड B3। लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा जी, शिफॉन का डबल शेडेड फैब्रिक है ये, और अच्छी बात यह है कि डबल शेडेड इन्होंने लाइनिंग का फैब्रिक भी दिया हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही। और ये ड्रेस नॉन हिट है कि मतलब इस ये हर किसी के पास पड़ा हुआ, बट आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं देख रही हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत ही खूबसूरत लग रहा है डबल शेड। एक तो इसका बहुत ज़बरदस्त है ऑफ वाइट एंड एक्चुअली क्रीम सा शेड, एंड ये जो पिंक है तरबूजी कलर इसको कहते हैं उसका मिक्स है और डबल शेड है और बहुत खूबसूरत है। मुझे इसका काम भी काफ़ी डिफरेंट लग रहा है और ड्रेस भी काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। इनफैक्ट इसके पैनल्स की जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत अलग तरह की, वरना हमारे बी के सूट से एक ही तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। और साइज़ जो है इन्होंने फैब्रिक इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि बहुत ज़बरदस्त आराम से बड़ा साइज़ बन जाएगा। इनफैक्ट अगर मीडियम या स्मॉल साइज़ बनाएंगे तो ये सारा काफ़ी सारा ये काम कर जाएगा। उसके बाद अच्छी बात ये कि इन्होंने जो बॉर्डर दिया है ये फ्रंट बैक और स्लीव्स पे आराम से हो जाएगा मेरा ये ख्याल, लेकिन ये स्लीव्स इसमें थोड़ी सी इन्होंने बड़ी बनाई हुई, लेकिन अगर आप नॉर्मल बेल स्लीव्स तक बनाए, लेकिन आई थिंक इन्होंने बैक पे भी यूज़ किया हुआ है, तो ये पहला ड्रेस है जिसके बैक का भी इन्होंने ये दिया हुआ है बॉर्डर। उसके बाद इसका बैक जो है प्लेन है, जैसे कि मैंने बता दिया कि बॉर्डर इससे हो जाएगा और डबल शेडेड है ये भी, ऊपर की तरफ ऑफ वाइट और नीचे की तरफ पिंक तरबूजी कलर। सो मुझे तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद गला जो है बहुत खूबसूरत है, गले के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हैंडवर्क हुआ है, ये डिफरेंट तरह का है, मतलब ये डायमंडीज वगैरह तो मारिया बी के सूट से हर तरह की होती है, बट इसका स्टाइल देन इसके अंदर जो उन्होंने नक्शी दबका यूज़ किया है तिले के ऊपर, मुझे कुछ डिफरेंट चीज़ लग रही है ये और बहुत अच्छी लग रही है। एंड दिस पन्नी वर्क जो कि मिरर टाइप का लगता है, मिरर नहीं होता पन्नी वर्क होता, बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, इसके गले का स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त लगा। उसके बाद इसकी स्लीव्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं और फुली एम्ब्रॉयडर्ड। उसके बाद जो है इसके एज पर यही वाला बॉर्डर आ जाएगा जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, आराम से पूरा हो जाएगा। और ट्राउज़र का कपड़ा इसका, ये इन्होंने आई डोंट नो क्या कपड़ा यूज़ किया है, लेकिन ये बहुत रॉ सिल्क है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ सिल्क है, डार्क शेड का जो है रॉ सिल्क का ट्राउज़र है, ये बहुत ज़बरदस्त है। देन उसका दुपट्टे का दुपट्टा है ऑफ वाइट कलर का, पूरा ये इसके ऊपर पन्नी वर्क हुआ हुआ और दुपट्टे के ऑल साइड के ऑफ वाइट ही बॉर्डर जो कि सिलाई के साथ ही लग जाएंगे। आई पर्सनली डोंट लाइक दीज रिंग्स, बट ये कि जिसको रिक्वायर्ड हो तो ये, हालांकि पल्लू वगैरह इस तरह से मोतियों से बने हुए तब भी अच्छे लगते हैं, फैब्रिक के इस तरह बने हुए तो मुझे नहीं पसंद, लेकिन तब की अपनी चॉइस है। तो मुझे ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत लगा ये ड्रेस बिकॉज ऑफ दिस कलर एंड कलर कॉम्बिनेशन और फैब्रिक की क्वालिटी, क्योंकि प्योर शिफॉन है। तो आई होप के वीडियो से, मेरी वीडियो से जो है लोगों को कुछ हेल्प मिले और जो इसको डिसलाइक कर रहे हैं उनको पसंद आए, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।